श्री 1008 महामंडलेश्वर पीठराधीश्वर। जी हाँ, दाती जी महाराज, बाबा जी के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। जय माता दी बाबा जी। और हम बहुत बहुत आपके जो हैं ऋणी रहेंगे कि आप तपस्या के दिनों में भी हमें समय दे रहे हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि दाती जी महाराज नवरात्रों में हमेशा निर्जल रहते हैं, पहले 4 दिन वो जल तक ग्रहण नहीं करते। तो ये तपस्या एक आम शख्स तो शायद मुश्किल है, लेकिन एक संतों की श्रेणी में जिस तरह से आप तपस्या कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा माता रानी के नवरात्रों में पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो बाबा जी, हम चाहेंगे कि आज माँ का दूसरा स्वरूप और उस दूसरे स्वरूप के बारे में, उनकी महिमा के बारे में आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। प्रणाम माते, प्रणाम प्रणाम, और संपूर्ण राष्ट्र को दूसरे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। इस संपूर्ण चराचर जगत आनंद और परमानंद से रहे। माँ भगवती की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। चैत्र नवरात्रे और नवरात्र को दूसरा दिन, और दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन भगवती माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती, उनकी अर्चना का विधान है। साधक और योगी दोनों ही इस दिन अपने मन को भगवती माँ के श्री चरणों में एकाग्रचित करके स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र पर स्थित करते हैं और माँ की कृपा प्राप्ति के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्म शब्द का तात्पर्य तपस्या। यद ब्रह्मांड तत् पिंडे, जो पिंड और ब्रह्मांड का मेल कर दे उसे ब्रह्म कहते हैं, तपस्या कहते हैं। तपस्या के बल पर स्वयं का बोध होता है, चराचर जगत के उस परम सत्ता के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। तो ब्राह्मण तपस्या, ब्रह्मचारिणी यानी तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बड़ा ज्योतिर्मय है, अद्भुत अलौकिक स्वरूप है। मां के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में हिमालय राज पर्वतराज के घर पर कन्या के रूप में आप प्रकट हुई थी, और महर्षि देवऋषि नारद के कहने पर, उनके उपदेश पर कठिन तपस्या करके भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से, मां ब्रह्मचारिणी की साधना से, मां ब्रह्मचारिणी के जप से, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं, विजय की प्राप्ति होती है, संपूर्ण रोग और संपूर्ण परेशानियों का निवारण होता है। मां के निर्मल स्वरूप का ध्यान करने से, दर्शन करने से प्रेम युक्त भक्ति की प्राप्ति होती है। और वे लोग जिनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, जिनकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, जो शिक्षा में बहुत कमजोर है, ऐसे लोगों को मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से शिक्षा संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होता है। अद्भुत 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 है मां ब्रह्मचारिणी, नमन। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज इस बेहतरीन जानकारी के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज बाबा जी आपको बताएंगे माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना कैसे करनी है, शास्त्रोक्त विधि, कौन सा भोग है जो आपको माता के नजदीक लेकर जाएगा, यदि आपको चंद्र पीड़ित है तो आप क्या करें, और यदि सबसे अहम जो स्त्रियां हैं वो खासतौर पर ध्यान से सुने। आज के इस कार्यक्रम में दाती जी महाराज आपको जरूर बताएंगे कि आपको कमर दर्द है तो उनके पास बहुत सारे नुस्खे हैं और इतना अनुभव है, उसी के आधार पर आपको बताएंगे कि आपने कमर दर्द के लिए भी क्या करना है। तो लगातार जुड़े रहे हैं, हमारे स्टूडियो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, 4230001 02 पर डायल करें, दाती जी महाराज से आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं आपका आने वाला समय किस तरह का होगा। बाबा जी, जहां तक ये तो रही सांसारिक मां भगवती के स्वरूप की महिमा, तो योग की बात करें, अध्यात्म की बात करें, आत्मा की बात करें, तो जहां ब्रह्म का मतलब ही पूरा एक सृष्टि है, तो हम आत्मिक लेवल से भी जरूर जाना चाहेंगे। जो योगी हैं, जो साधक हैं, उनके लिए जो आज का दिन है वो कितना महत्वपूर्ण है? आज का दिन बहुत अद्भुत है योगियों के लिए, बहुत अद्भुत, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र अब मूलाधार से स्वाधिष्ठान की ओर प्रवेश कर रहे हैं। आज के दिन वे योगी जो साधना में लिप्त रहते हैं, जो साधना में एकदम लय रहते हैं, दूसरे दिन स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने की साधना करते, अपने गुरु महाराज से प्राप्त ज्ञान विधि के द्वारा साधना शक्ति के माध्यम से स्वाधिष्ठान चक्र पर चोट करते हैं और कुंडली को जागृत कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में आपको बताना देना चाहता हूं कि इस चक्र पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य होता है, भूलोक है ये, मात्र शक्ति देवी इंद्राणी है, देवता यहां के रुद्र है, तन्मात्रा रस है और तत्व यहां का जल है, और इस चक्र का स्थान पेड़ू है, यहां की अधिष्ठात्री देवी
राकनी है जो जन्म देने वाली प्रभाव है, सर्जन पालन और निधन की सार्थकता रखती है मां शाकनी, बहुत अद्भुत है। और जीवा पर सरस्वती का वास होता है, तो मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से विद्या में, सौंदर्य बोध में एक क्षमता प्राप्त होती है, एक अद्भुत बोध प्राप्त होता है मां ब्रह्मचारिणी की साधना करने। और वे लोग जिन्हें वास्तव में साधना में जाना तो कुछ नहीं, ये पेड़ स्थान पर नाभि से चार अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है, मृत संजीवनी मुद्रा लगा दीजिए, बड़े प्रेम से साधना करना है तो, और इसी चक्र पर संपूर्ण चेतना को एकाग्र कर यदि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी दिव्यै नमः इस मंत्र की चोट करते हैं तो अद्भुत अलौकिक क्षमता प्राप्त होती है और व्यक्ति वो पा जाता है जिसे पाने के लिए जीवन लग जाता है। तो ये अद्भुत चक्र है और आज माँ भगवती की साधना करने के लिए स्वाधिष्ठान चक्र पर हमें मंत्र जाप करना चाहिए। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आप हमें जो ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, शिक्षा संबंधी यदि आपके बच्चों को या आपके आसपास या आपको कोई समस्या है, आपको आज दाती जी महाराज ऐसे खास उपाय देंगे। इसी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े रहे आप हमारे साथ। बाबा जी हम जरूर जानना चाहेंगे, आप हमें प्रत्येक जो है माँ के स्वरूप की महिमा तो बताती ही है, तो आज भी शास्त्रोक्त विधि का जिक्र जरूर करना चाहेंगे। हमने तो नहीं पढ़े हैं और विद्वानों के माध्यम से ही हम ये जान सकते हैं, तो हम जानना चाहेंगे शास्त्रों में माँ ब्रह्मचारिणी को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, या आपने जो स्वाधिष्ठान चक्र की बात की है उसे जागृत करने के लिए क्या विधि है। अब मैं गृहस्थियों के लिए शास्त्रोक्त विधि बताऊं, और गृहस्थियों के लिए शास्त्रोक्त विधि मात्र पंचपचार पूजन है, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत, ये श्रद्धा भाव से गृहस्थ यदि मां भगवती के श्री चरणों में अर्पित कर देते तो उनकी पूजा। गृहस्थ जो व्यक्ति ग्रस्त है, जो संसारी है, उसके लिए महत्वपूर्ण पूजा है भाव, निर्मल हृदय, दया करुणा और श्रद्धा से यदि माँ को पुकारा जाता है तो माँ उसके जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निवारण करती। और ग्रस्तियों के लिए साधारण पूजा है, कुछ ज्यादा नहीं, अपने पूजा स्थान में आज के दिन चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, हल्दी से रंगे हुए पीले चावल की ढेरी लगाकर उसके ऊपर हकीक की माला, 108 दानों वाली हकीक की माला रख दे, हाथों में पुष्प ले, आओ मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करते हुए ये पुष्प उस माला पर छोड़ दे, उस यंत्र के सामने छोड़ दे, मनोकामना घुटेगा आज के दिन। 7 मुट्ठी चावल सफेद कपड़े में बांधकर अपनी जो मन की मनोकामना है, शिक्षा संबंधी संपूर्ण मनोकामना को ध्यान करते हुए ये पोटली मां की तस्वीर के आगे रख, ब्रह्मचारिणी मां की तस्वीर के आगे रख दे, पुनः हाथ में पूछ ले और पुनः 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी दिव्यै नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार जाप करें, पुष्प मां के श्री चरणों में छोड़ दे। याद दिलाना चाहता हूं, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत, यह है गृहस्थ की पूजा का संपूर्ण विधान। ये अर्पित करें और देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, हकीकी माला पर पुनः 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः इस मंत्र का जाप करें, पूर्ण भक्ति भाव के साथ माँ से प्रार्थना करें, माँ की आरती करें, माँ का गुणगान करें, आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी होगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। राष्ट्रवासियों, दाती महाराज श्रद्धा में विश्वास रखते हैं, भाव में विश्वास रखते हैं और राष्ट्रभक्ति में विश्वास रखते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वालों, आज दूसरा नवरात्रा है और इस बात को मत भूलना कि हम माँ को पूजने जाते हैं और माँ को ही गर्भ में मार देते हैं तो ये जघन्य अपराध है। यदि माँ ब्रह्मचारिणी को मनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी संतान शिक्षा में सफलता हासिल करे, को कन्या का सम्मान करो, कन्या भ्रूण बचाओ, जीवन को संतुलित बनाओ, मेरा विश्वास करो, मैं ये अद्भुत उपाय है जो बताने जा रहा हूँ कि जिसकी संतान शिक्षा में कमजोर है, जिसकी संतान प्रयासों के बाद भी शिक्षा में सफलता प्राप्त नहीं, एक कन्या को शिक्षा में पढ़ाई के लिए सहयोग कर दो, आपकी संतान शिक्षा में अद्भुत सफलता हासिल करेगी, ये मैंने देखा और वही मैं आपको बता रहा हूँ। नमो नारायण।
और हम अपने दर्शकों को याद करवा दें, आपके मन में यदि ये मंशा है, आपको नहीं सही जगह मिल पा रही कि कहां पर आप अपनी किसी कन्या को पढ़ाएं या जो बेसहारा है वाकई में, तो आपको याद करवाना चाहेंगे दाती जी महाराज ने, जो सड़कों पर लोग फेंक जाते हैं, जो कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, जो अपनी बेटियां छोड़ जाते हैं, न जाने ऐसे कैसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल बेसहारा छोड़ जाते हैं, लेकिन दाती जी महाराज जैसे संत भी हैं हमारे देश में जिन्होंने उन सड़कों पर घूम रहे बच्चों को अपने सीने से लगाया है, और आज करीब 700 से ऊपर बच्चियों के स्कूल के जो है वो पिता की तरह उनका पालन पोषण करते हैं। आपको नहीं समझ आ रहा कि आप अपने पैसे का सही सदुपयोग कहां करें, तो आप शनिधाम ट्रस्ट से जुड़ जाएं। कहते हैं कि जानवर भी अपने बच्चों के मुंह में दाना डालता है, और इंसान तो वही है जो दूसरों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करता है। तो हमें तो हम इंसान बने हैं, मनुष्य चोला मिला है, ये बात बहुत सुंदर शब्दों में दाती जी महाराज ने बहुत हमें एक दिन एपिसोड किया था तो बहुत सुंदर शब्दों में बाबा जी आपने हमें बताई थी, तो हम यहाँ अपने दर्शकों को याद करवाएं। यदि आप शनिधाम ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें 9417457565 नंबर, नीचे स्क्रोल पर दूसरे नंबर्स भी आ रहे हैं लैंडलाइन, आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.shanidham.in दाती.com, कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं 4230001 02 है, बाबा जी से मिलना चाहते हैं अपॉइंटमेंट लेकर उन्हें मिला भी जा सकता है। दाती गुरु मंत्र आपके कहने पर बाबा जी ने, मैं कहूंगी ओवरवेलविंग जो रिस्पांस था आप लोगों का और उसकी आपकी एक लगातार डिमांड आ रही थी कि आप भी बाबा जी हमारी कुंडलियों का अवलोकन करें, तो बाबा जी ने आखिरकार निकाल दी है ऐसी पत्रिका जिससे आप मंगवा सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके आने वाले समय में क्या लिखा है। किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, सफलता आपके कदम नहीं चूम रही, हर जगह आप सोने में भी हाथ डालते हैं तो मिट्टी हो जाता है, तो दाती गुरु मंत्र आप वो पत्रिका बनवाएं, उसमें आपके लिए खास बताए जाएंगे क्या कर सकते हैं आप उपाय, जो अवरोध हैं, जो ऑब्स्टैकल्स हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। बनवाना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, डिटेल्स चाहते हैं, नंबर नीचे स्क्रोल पर है, उन्हें नोट कर लें, डायल करें, अतिरिक्त जानकारी वहीं से हासिल करें। बाबा जी तो चलिए अब जहां हमने बात की है माँ ब्रह्मचारिणी की शास्त्रोक्त विधि की, तो 12 राशियों पर जाना चाहेंगे हम कि 12 राशियों में अलग अलग राशि वालों के लिए पहली 4 राशियों का जिक्र करना चाहेंगे बाबा जी की शिक्षा के दृष्टिकोण से, शिक्षा संबंधी जिन्हें परेशानियां आ रही हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, जो आईएएस आईपीएस आईएफएस बैंकिंग किसी भी सेक्टर से एसोसिएट होना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनका जो संबंध है वो शिक्षा से है, प्रेपरेशन से है, एजुकेशन से है, तो ऐसे शख्स ऐसे जातक ऐसी राशि वालों के लिए हम खास उपाय लेना चाहेंगे आज के दिन, वो ऐसा क्या करें कि बस उन पर मां सरस्वती का हाथ लग जाए। संपूर्ण राष्ट्र मेरी प्रार्थना है कि माँ उर्वशी और हम दोनों ही मिलकर एक जो सनातन संस्कृति है, जो एक विद्या है, उस विद्या को समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं। ना माँ और ना मैं, ना माँ उर्वशी ना मैं अंधविश्वास फैलाते, नहीं हम हवा में बात करते, हम दोनों का एक ही प्रयास रहता है कि जो भारत का ऑकल्टम साइंस है, जो भारत का वेद है, जो भारत का विज्ञान है, हम समाज के सामने ला के रखें। ना मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं और ना वो प्रजापिता ब्रह्मा, हम दोनों ही एक प्रयास करते हैं, और संपूर्ण राष्ट्र प्रार्थना है कि हम हथेले में सरसों नहीं उगाते। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं होते हौसलों के सामने, अपने हौसले मजबूत रखो और जो हम कह रहे हैं उसको परख कर देखो, हम नहीं कह रहे हैं जो हम जो कह रहे हैं वही सही है, सेकेंड ओपिनियन आपका पूरा अधिकार है, लेकिन ये एक विधा है जिस विधा के माध्यम से हम सनातन संस्कृति को समाज के सामने परोसने आ रहे हैं, मानना नहीं मानना आपका मामला है। ब्रह्मचारिणी माँ शिक्षा पर प्रभाव डालती है, और आज मैं 12 के 12 राशियों पर शिक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे मैं इस पर बात करूंगा। मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग ऑकल्टम साइंस को आपके सामने ला रहे, हथेली में सरसों नहीं उगाते, प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, और नक्षत्र विज्ञान क्या कहता है वो हम आपके सामने रखते हैं। यदि बात करें मेष राशि वालों के लिए तो नवरात्रि संकेत दे रहे हैं कि विद्यार्थियों को 8 मई तक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मेष राशि वालों इस दौरान की गई लापरवाही नुकसान दे सकती है, विद्यार्थियों को इस दौरान अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए और स्वार्थी मित्रों से सावधान रहना चाहिए। हाँ, मैं ये देख रहा हूं नक्षत्रों के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए कि मई के बाद समय बहुत अनुकूल है, और मेष राशि वालों यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई टेंशन है, तो आप लगातार 40 दिन हर मंगलवार को सफाई कर्मचारी को साबुत मसूर को श्रद्धानुसार का दान दे दीजिएगा, शिक्षा में अनुकूल सफलता आपको प्राप्त होगी। नमनायन, और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि जिस तरह के घर योगायोग है इस समय, संपूर्ण नक्षत्रों की बात करूं तो वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए इस समय बहुत अनुकूल है, शिक्षा में सफलता मिलेगी, शिक्षा के मनो अनुकूल वातावरण रहेगा, शिक्षा में किए गए प्रयास बहुत अच्छे रहेंगे, आर्थिक परेशानियों और धनाभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, और शिक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले 6 महीने
वृषभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ और बहुत अनुकूल नजर आ रहे हैं। नमन और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों एक बात कहना चाहता हूं, नक्षत्र गणना ये कह रही है कि यदि सफलता चाहते हो तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा 12 जून तक। 12 जून तक की छोटी सी लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है। 12 जून तक छोटी सी चूक नुकसान का कारण बन सकती है। मेहनत से ही सफलता प्राप्त होगी, ये मूल मंत्र आप ध्यान में रखिएगा। परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए लापरवाही से बचना होगा और परिश्रम करना होगा, क्योंकि समय थोड़ा सा मध्यम है। और मैं ये चाहता हूं कि आप लगातार 40 बुधवार या लगातार 7 बुधवार या लगातार 11 बुधवार कंजकों को, कन्याओं को हरी वस्तुओं का दान देंगे तो आपके लिए बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, ये नवरात्र, ये 6 महीने शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसे रहेंगे, मां भगवती ब्रह्मचारिणी पर आप पर क्या कृपा रहेगी ये बताना चाह रहा हूं। और आपके लिए मां भगवती की कृपा बहुत सुकून भरी है, सफलता का संकेत दे रही है। सभी प्रकार से कर्क राशि वालों को संतुष्टि मिलेगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेगा, परंतु एक बात मैंने देखी है कि निकम में मित्रों से सावधान रहना पड़ेगा। यदि निकम में मित्रों से सावधान रहते हैं और मेहनत करते हैं तो ये परिणाम आपके लिए शुभ और मनोनुकूल लेंगे और शिक्षा में सफलता मिलेगी। मनोनुकूल कॉलेज मिल सकता है, मनोनुकूल जो एरिया आप चुनना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और शिक्षा के लिए आपका आसपास का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। नमन आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी इस जानकारी के लिए। मैं कहूंगी अनमोल जानकारी है जो पाए से भी नहीं मिल सकती। कहते हैं कि पढ़ने से ज्ञान कभी हासिल नहीं होता, पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं जो आपको मिला है और जो आज आप समाज में ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। हम राजविंदर कौर जी की कॉल लेना चाहेंगे। बाबा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वो सरहंद से। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। जय माता दी, आप हमें डिटेल्स दे सकती हैं। जी जी, मुझे ना अपने घर वाले के बारे में बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बताइए। 6 जुलाई 1983। हाँ जी, उन्हों का संबंध का ही है जन्म। टाइम बोल दें आप। हाँ जी, समय बता दें जन्म का। समय सवेरे 8 बजे का है। सुबह 8 बजे का है, सरहंद पंजाब का जन्म है। आप राजविंदर जी बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? उनके काम के बारे में पूछना चाहती हूँ। ये किनकी डिटेल्स दी हैं आपने? हाँ जी, ये किनकी डेट ऑफ बर्थ है? मेरे घर वाले की। अच्छा, आपके पति देव की है। अभी वो क्या कर रहे हैं आपके पति देव? अकाउंट का काम कर रहे हैं। अकाउंट्स का, प्राइवेट करते हैं कि किसी कंपनी में कार्यरत हैं? प्राइवेट कर रहे हैं। बाबा जी इनके हस्बैंड अकाउंटेंट का कार्य करते हैं और आपने सुनी होगी इनकी बात। राजविंदर कौर जी जानना चाह रही हैं इनके पति देव का आने वाला समय कैसा रहेगा। कर्क लग्न है, मेष राशि है, सूर्य मंगल बुध राहु बुध 12वें घर में है, शनि ऊंच कद चौथे स्थान में, मंगल की दशा 2015 तक है। 7 जुलाई 2013 से समय बहुत अनुकूल और बहुत सफलता से भरा है, कहीं तनाव लेने की जरूरत नहीं है। कैरियर की दृष्टिकोण से, परिवार की दृष्टिकोण से, हेल्थ की दृष्टिकोण से 7 जुलाई 2013 के बाद का समय अनुकूल है। कर्क लग्न है, मेष राशि है, छोटा सा उपाय इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर यदि ये संकट मोचन हनुमान अष्ट के सुबह शाम 7 पाठ करते हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि कैरियर में तकलीफ आ रही हो तो मंगलवार दिन श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाए और लगातार 40 मंगलवार खिलाए, कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। लेकिन इनकी जो कैरियर की लाइन है वो प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट की और ज्यादा प्रयास नहीं करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। बिल्कुल, अगली कॉल लेना चाहेंगे बाबा जी। जालंधर पंजाब से हमारे साथ परविंदर कौर जी जुड़ चुकी हैं। जय माता दी। परविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी अरे, मैं बाबा जी से अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बाबा जी सुन रहे हैं, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं अपने बेटे की। 12/4/2005। 12/4/2005, जन्म का समय बोल दें। हाँ जी, ये जन्म इसका जलंधर में है, मंगलवार सुबह 10:20 के आसपास आई। हाँ जी, प्रश्न करें आप। मैं अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ, पढ़ाई के बारे में और वैसे। अच्छा, कैसा रहेगा? परविंदर जी आज कार्यक्रम देख रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल देख रही। जरूर देखेगा, आपकी कन्या राशि है, आप भी देखें। बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम जसप्रीत सिंह है। जसप्रीत सिंह है, तो वो बाबा जी बताएंगे उसकी राशि कौन सी है और उसकी राशि के अनुसार भी सुनिएगा, खास उपाय भी दे रहे हैं। आपके बेटे की कुंडली तैयार हो चुकी है, अगली आवाज दाती जी महाराज की होगी, वो आपके बेटे के लिए जरूर बताएंगे। बाबा जी आपने इनका प्रश्न सुन लिया होगा। जालंधर पंजाब से परविंदर जी जानना चाहती हैं बेटे की शिक्षा संबंधी उनका प्रश्न है। 12 अप्रैल 2005 सुबह का समय 10:20
10:25 के आसपास का और जालंधर का जन्म है। पहले तो मीडिया से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अपने विचार अपने बच्चे पे क्यों लाद रहे हैं, बच्चा है इसको खूब खेलने दो, खूब मस्त रहने दो और माँ का प्यार बनाए रखो। बच्चों पर दबाव दे दे के उनका जो बचपना हमने छीन लिया, क्या जमाना आ गया मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। कंपटीशन करते करते बच्चा खुद खराब, पता ही नहीं चला उसका उसका जीवन के बचपना कैसे चला गया, वो अपने जीवन के आनंद से वंचित रह गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपने बच्चों को बढ़ाने बताएं, लेकिन सहज भाव से आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। आपके बच्चे का मिथुन लगन है, आपके बच्चे के जन्म कुंडली में लगन है भगवान शनिदेव विराजमान और बृहस्पति और केतु चौथे स्थान पर, वृषभ राशि और चंद्रमा की दशा है। मेरा विश्वास करो जन्म कुंडली के हिसाब से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आपसे कुछ कहता है कि मंगल है वो है, मंगल उसका बेटा कहीं तकलीफ नहीं है, भगवान सूर्य और राहु इनके जहां बैठे उससे भी आपको भयभीत करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मिथुन लगन में शनि जब लगन में हो ईश्वर की दया से कहीं कोई तकलीफ नहीं। हाँ एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, हेल्थ के दृष्टिकोण से कभी कोई प्रॉब्लम आए तो सोमवार के दिन श्रद्धानुसार दूध कंजकों को बांटिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके बच्चे का जीवन बहुत उज्ज्वल, बहुत ही भविष्य बहुत ही उज्ज्वल रहेगा, कहीं भयभीत होने। कुछ लोग कहेंगे कि इन्हें पितृदोष है, कह सकते हैं क्योंकि बहुत बहुत जल्दी डराने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। आप इस बात से कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगा दीजिएगा और आप अपने बच्चे से रोज कहिए कि आप तुलसी को प्रणाम करके स्कूल चले जाए, आपका बच्चा जिंदगी में कभी असफल नहीं होगा। आपके घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, कोई दोष आपके बच्चे के जन्म कुंडली में नहीं है। नमो नारायण। बाबा जी आपकी यही बात हमें बहुत अच्छी लगती है कि आप क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है और यह भी बता देते हैं कि सामने वाला शख्स किसी को कैसे डरा सकता है। बहरहाल बाबा जी अगली कॉल लेना चाहेंगे, गोल्डी जी की यमुनानगर से है हमारे साथ। गोल्डी जी जय माता दी, हार्दिक अभिनंदन है, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स आप हमें दे सकते हैं। हाँ जी मैम। जय माता दी मैडम, स्वागत है। जय माता जी मैम। जी मैम मैं ना अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी बोलिए गोल्डी प्रश्न। तो मैम मेरा नाम क्या कहते हैं, मेरा नाम गोल्डी कुमार है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/9/1989। अच्छा 1 September 1989 बॉर्न है, टाइम बोल दें। हाँ जी टाइम बता दें, समय बोल दें। 5 बजे मैम, मॉर्निंग 5 बजे, सुबह के 5 बजे। जन्म स्थान मैम यमुनानगर। प्रश्न करें गोल्डी आप। मैम मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहता हूँ, मेरी जॉब कहीं लगेगी नहीं लगेगी। नहीं शब्द का उपयोग क्यों करते हैं, चलिए बाबा जी आपको बताएंगे, आपकी कुंडली का पूरा अवलोकन करेंगे, आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। बाबा जी एडोलेसेंट एज में हैं और अभी अभी यंगस्टर बने हैं गोल्डी, जाहिर सी बात है मन में बहुत सारी जो है डाइल्यूजन्स हैं और कॉन्फ्लिक्शंस हैं और बहुत सारी उमंगे भी हैं, तो चलिए इन्होंने जॉब की बात की, लगेगी या नहीं लगेगी, चाहेंगे आप इनका सही इन्हें मार्गदर्शन करें। सिंह लगन है और मंगल केतु सूर्य और चंद्र लगन में विराजमान, में बुध और शुक्र इनके दूसरे घर में और शनि इनका धनु राशि का पंचम स्थान में, बृहस्पति इनका 11वें घर में और राहु इनका सप्तम स्थान में। बड़े ध्यान से जन्म कुंडली को देखा जाए, यदि ये जन्म कुंडली का जातक हवा में बात ना करके जमीन पर खड़ा रहे तो जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। एक जगह स्थिर रहे, ये नहीं कि ये भी कर दूं 10 जगह हाथ नहीं डाले, कहीं एक जगह पर हाथ डाले जीवन में कभी असफल नहीं रहेगा। और बहुत बड़ी बात है, कई बार होता क्या है कि जाना था जयपुर चले गए अजमेर, जाना था अजमेर चले गए उदयपुर, कारण क्या था, कारण कि सोच कहीं और है, दिमाग कहीं और है और मन कहीं और है, तन साधन के संग कहे कबीर कैसे लागे कोरीगर। जो जो आपका जीवन है वो थोड़ा सा विपरीत है, आप जो कह रहे हैं आप वहां पर स्थिर हो जाए तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। मेरा विश्वास करना आप सफलता से भरी जन्म कुंडली के साथ पैदा हुए हैं, बस एक कमी आप में है कि आप स्थिर नहीं हैं, आपको स्थिर होना पड़ेगा। और स्थिर होने के लिए बच्चे दाती महाराज कड़वे जरूर, स्थिर होने के लिए माता पिता के चरण रोज स्पर्श कर दो, हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर, घर में घी का दीपक नहीं जलाते हो तभी मैं आपको दबाव नहीं डालूंगा, आप हर रोज ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वं पितुर्वरे ईर्ण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल देते हैं तो आपका जीवन उज्ज्वल और भविष्य बड़ा अच्छा रहेगा और आपको सफलता मिलेगी, आपको तनाव नहीं, बस स्थिरता लानी बहुत जरूरी है। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज सही मार्गदर्शन करने के लिए गोल्डी जी का। अपने दर्शकों को बता दें लगातार शनिधाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दाती जी महाराज, साधनाओं में रत रहने के बावजूद आप लोगों के कल्याण हेतु वो आपको दे रहे हैं अहम जानकारी, ऐसी जानकारी जो आज आपको बताएगी कि शिक्षा संबंधी यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे करें, माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना क्या करें, खास उपाय जानेंगे दाती जी महाराज से, और भी बहुत सारी जानकारियां इसी कार्यक्रम में इस अंतराल के बाद।